इन दिस क्वेश्चन का थ्री इन रेज टू पावर लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब है तो होल क्यूब को आगे जाए थ्री और अपॉन ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी सेवन इंच थ्री पावर थ्री और ये वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगा आगे और थ्री हो जाएगा माइनस टू ए अपॉन सेवन रेज टू पावर फोर लॉग ए बेस फोर्टी नाइन फोर्टी क्या लिखेंगे फोर्टी इज सेवन स्क्वायर तो सेवन वैल्यू जाएगी और स्क्वायर आगे आ जाएगा पावर टू माइनस ए तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई दिस इज इक्वल्स टू टू तो ये फोर क्या जाएगा ए रेस टू पावर फोर में और टू और बी ये बेस सेम है इक्वल्स इसके बेस और ये पावर क्या सेम एक्सपोनेंट इक्वल्स हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी ए रेस टू पावर फोर माइनस थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गई बहुत सारी थ्री थ्री हैं तो ये वैल्यू क्या ए स्क्वायर प्लस वन में रिजल्ट हो जाएगी ये वैल्यू क्या गई ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है हमें यहाँ से कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई हमने यूज की कि ए रेस टू पावर लो बी बेस से क्या होता है इक्वल्स टू बी होता है क्या होता है बी क्योंकि ये बहुत बहुत आर इक्वल्स ये दोनों इक्वल्स हों वैल्यू किसके इक्वल होगी इक्वल टू बी के तो यहाँ से वैल्यू इक्वल किसके ए स्क्वायर प्लस वन क्योंकि यहाँ पर दोनों थ्री थ्री हैं अपॉन में हमारे पास टू से टू टाइम्स कैंसिल आगे ये टू हमारे पास ए स्क्वायर में चला जाएगा और यहाँ सेवन बोथ आर इक्वल तो ये वैल्यू जाएगी ए स्क्र माइनस ए माइनस वन माइनस वन सो मीन्स अब इसको क्या लिख सकते हैं ए रेस टू पावर फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन नोमीटर इज नोमीटर फोर्थ पावर पॉल नोमिले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इन टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन लिख सकते हैं इसको हम अपन में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन सो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन से ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन कैंसिल आउट होगी वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन सो so, रेशियो क्या होल एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइज टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन सो दिस इज दंसर फॉर दिस क्वेश्चन